में थे दोस्तों। क्या आपको घुटने का दर्द बहुत दिन से परेशान कर रहा है? आप चल नहीं पाते हैं, बहुत दिन मतलब 1-2 महीना हो गया बेड में बैठे हो, और चलने के ये इतनी दिक्कत होती है ना कि पूछो मत। कभी कभी डॉक्टर ने तो किसी किसी को नी रिप्लेसमेंट, घुटना बदलने की सलाह दे दी है। क्या ये सारे प्रॉब्लम आप में से किसी को है? तो आज इन सब प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ। आयुर्वेद के हिसाब से अगर बॉडी में कहीं पे भी दर्द हो रहा है तो वो लक्षण है बढ़े हुए वायु का। और वायु को कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा जो पंचकर्म में बताई गई है वो है बस्ती। बस्ती के बारे में हमने पहले वीडियो में जानकारी ली है, जिसमें हम औषधि तेलों का काढ़ों का इनिमा देते हैं जो बड़ी आंत में जाके वायु को कम करने का काम करता है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे स्थानिक बस्ती के बारे में या फिर लोकल। अगर आपको घुटने के यहाँ तकलीफ है, वहां पे दर्द हो रहा है, तो वहां पे हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका दर्द इंस्टेंटली कम होता है। ये एक लोकल ट्रीटमेंट बताई गई है। तो अगर घुटने के यहाँ हम स्थानिक बस्ती करते हैं तो उसको बोला जाता है जानू बस्ती। जानू संस्कृत में घुटने को बोला जाता है, और वहां पे बस्ती की जाती है इसके लिए हम बोलते हैं जानू बस्ती। अगर वो कमर की जगह पे की जाएगी तो उसको बोलेंगे कटी बस्ती, हृदय के स्थान पे की जाएगी तो उसको बोलेंगे रुद्ध बस्ती, स्पाइनल कॉर्ड पीछे की तरफ की जाएगी तो उसे बोलेंगे मध्यम बस्ती। ऐसे अलग अलग जगह पे, अलग अलग जगह पे जो कंप्लेंट्स है, वहां पे दर्द है, उसके लिए जो लोकल ट्रीटमेंट की जाती है तो उसको लोकल बस्ती। घुटने के ऊपर हम इसमें आटे का ऐसे कुआं जैसा बनाते हैं और उसमें अंदर औषधि तेल हम डालते हैं। वायु को कम करने के लिए सबसे प्रधान चिकित्सा है बस्ती, और उसमें भी सबसे प्रधान है ऑयलिंग, तेल लगाना। तो जानू बस्ती में हम जो आटे का कुआं ये घुटने के ऊपर बनाते हैं तो उसके अंदर हम बहुत सारी मात्रा में लगभग 200 to 300 ml तक औषधि तेल हल्का गर्म करके उसमें डालते हैं। जब तक वो गर्म रहता है वो वैसे ही रहने देते हैं, फिर बाद में वो बदल देते हैं, है ना। हल्का गर्म तेल होना चाहिए। ये तेल कौन सा इस्तेमाल करते हैं? आपकी तकलीफ के अनुसार, आपकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग तेल डॉक्टर इस्तेमाल कर सकते। बहुत सारे जो पेशेंट है जिनमें लिगामेंट टियर हो जाता है, घुटना मुड़ जाता है, एक्सीडेंटल इंजुरी होती है, तो उनकी लिगामेंट में इंजुरी हो जाती है, इसमें भी बहुत अच्छे से जैसे मुरीबेंडना तेल है या फिर क्षीरबरा तेल है, ऐसे बहुत सारे तेल है जिसकी जानू बस्ती अगर हम करते हैं तो वो टियर भी भर के आ जाता है, रिपेयर हो जाता है। या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, घुटने घिस जाना जो बोलते हैं ना, हड्डियां आपकी घिस गई है, डॉक्टर एक्सरे देख के आपको बोलते हैं कि आपकी हड्डियां तो घिस रही है, उस वजह से आपको घुटने में दर्द हो रहा है, इस वजह से भी जब आपको दर्द है उसमें भी जानू बस्ती बहुत काम करता है। जानू बस्ती में जो तेल हम इस्तेमाल करते हैं वो लगभग 20 से 30 मिनट तक उस जगह पे रहता है, तो जो आपकी घुटने की यहाँ पे जो स्किन है वहां से वो अच्छे से एब्सॉर्ब हो जाता है और अंदर का वायु कम कर देता है। अगर दोनों हड्डियों के बीच का जो फ्लूइड रहता है, जो घिसाव रहता है, वो कम हो जाएगा तो दोनों हड्डियां एक दूसरे के ऊपर घिसने लगती है और फिर वो दर्द पैदा करती है। जानू बस्ती के वजह से वो जो बीच का ऑयलिंग है वो अच्छे से होने लगता है, उस वजह से हड्डियां एक दूसरे के ऊपर घिसती नहीं है और आपका दर्द कम हो जाता है, है ना। तो आपको बस्ती तो करना ही पड़ेगा, इंटरनली बस्ती, आपका इंटरनल वायु जो कॉज है, हाँ, अंदर का बड़ा हुआ वायु ही आखिर में जाके यहाँ पे घुटने में दर्द पैदा करता है, तो वो बस्ती करेंगे, उसके साथ ये लोकल ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको जल्दी से फर्क पड़ेगा। तो कम से कम आपको 5 दिन से लेके आप 10 दिन 15 दिन, किसी को बहुत ज्यादा सालों से तकलीफ है तो वो 15 से 20 दिन तक भी ये ट्रीटमेंट कर सकता है। ये दोनों घुटने के ऊपर भी होता है या फिर एक ही घुटने को तकलीफ है, अगर एक्सीडेंटल इंजुरी में एक ही घुटने को आपको लगा है
तो एक घुटने के लिए भी हम ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसको टाइम लगता है, लगभग आधा से पौना घंटा आपको टाइम लगेगा। आपको किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाके आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। ऑयल कौन सा इस्तेमाल करना है वो आपको आपकी प्रकृति परीक्षण करके, आपको जो भी तकलीफ है कितने दिन से है उस हिसाब से वो ऑयल एडवाइस करेंगे। और ये बहुत आसान है, आप घर पे भी ये कर सकते हो, लेकिन पहले जाके आपको सीखना पड़ेगा। मतलब 5 से 6 दिन आप वहां पे जाके ये सीख लीजिए कैसे करना है, क्या करना है, आप समझ लीजिए, और फिर ये आप घर पे भी कर सकते हो। बस्ती के लिए आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास ही जाना पड़ेगा, लेकिन जो लोकल ट्रीटमेंट है, जानू बस्ती है या फिर कटी बस्ती है, वो आप घर पे भी कर सकते हो, लेकिन बराबर सीख के उनके गाइडेंस के अंडर। और बहुत अच्छा होगा अगर आप आयुर्वेदिक क्लिनिक में, पंचकर्मा सेंटर में जाके ही करवाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर किसी को पॉसिबल नहीं है, घुटना बहुत पेन है, चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है, घर से ही नहीं निकल पाते, तो आप ये घर पे भी कर सकते हो। तो अगर आपके दोनों घुटने में दर्द है या फिर एक ही घुटने में दर्द है, किसी एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से ये दर्द है, फ्रैक्चर है या फिर घुटने घिस गए हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वजन ज्यादा बढ़ गया है, बहुत सारे रीजन है, मोटापे की वजह से आपके दोनों घुटने में दर्द है, उसमें इस ट्रीटमेंट से ज्यादा आपको वजन कम करने पे ऊपर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि आपने दोनों घुटने के ऊपर ही अपने पूरे बॉडी का वेट आता है। इसके लिए हमेशा जब चलते हैं तो आपको दर्द महसूस होगा। और ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती, मैं चल नहीं पाती, इसके लिए मेरा वेट बढ़ रहा है। नहीं, बहुत टाइम आपका जो वेट है आपके खाने के ऊपर डिपेंड है। 80% इज योर डाइट, तो आपको खाने पीने में परहेज करके भी आप ये वेट आपका कम कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खाली पेट रहना है, आप क्या खा रहे हो वो देखो, आपके डॉक्टर से कंसल्ट करो, अच्छे से डाइट फॉलो करो, और डाइट फॉलो करके भी आपका वेट कम हो सकता है, और उसमें भी आपको घुटने के दर्द में बहुत आराम मिलेगा। तो जानू बस्ती के बारे में इतना ही। अगर आपको सच में बहुत ज्यादा घुटने में दर्द हो रहा है तो आप जल्दी से जल्दी आपके डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें और उनसे जानू बस्ती के बारे में जानकारी लें, और आप करवाएं, और कितना फर्क पड़ता है जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर ऐसे ही आयुर्वेद के बारे में, पंचकर्म के ट्रीटमेंट के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर टाइम मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका जानकारी आपको मिले, उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।